राज्यसभा में नए उपराष्ट्रपति के स्वागत का मौका था। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पहले दिन राज्यसभा में पहुंचे थे। नए उपराष्ट्रपति के स्वागत में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की तरफ से स्पीच दी गई। बीजेपी की तरफ से मोदी ने वेंकैया नायडू के स्वागत में स्पीच दी तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने नायडू का स्वागत किया। इस दौरान मोदी और आजाद के बीच गरीबी और अमीरी को लेकर नोकझोंक देखने को मिली। मोदी ने देश के सर्वोच्च पदों पर गरीब बैकग्राउंड के लोगों के पहुंचने के लिए लोकतंत्र की तारीफ की तो वहीं आजाद ने मोतीलाल नेहरू और गांधी का नाम लेकर कहा कि अमीरों का योगदान कम नहीं है। वेंकैया जी उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं तब पूरी दुनिया को इस बात पर हमें परिचित करवाना होगा और मैं मानता हूं हम सबका ये दायित्व है, राजनीतिक दीवारों से परे भी ये दायित्व है। और वो दायित्व ये है कि भारत का लोकतंत्र कितना मैच्योर है, भारत के संविधान की बारीकियों की कितनी बड़ी ताकत है। हमारे उन महापुरुषों ने जो संविधान दिया उस संविधान का सामर्थ्य क्या है कि आज हिंदुस्तान के संविधान पदों पर वो लोग बैठे हैं जिनकी पार्श्वभूमि गरीब की है, गांव की है, सामान्य परिवार से है, वो किसी रहीसी खानदान से नहीं आए। पहली बार देश के सभी सर्वोच्च पदों पर इस पार्श्वभूमि के व्यक्तियों का होना ये अपने आप में भारत के संविधान की गरिमा और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है और जिसका गर्व हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का गर्व है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है उन पूर्वजों का सम्मान इस घटना के साथ मैं देख रहा हूं। मैं फिर से एक बार उन संविधान निर्माताओं का भी नमन करना चाहूंगा कि इसमें गरीबी और अमीरी का आज सवाल नहीं है। बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े पदों पर हैं जो शायद बड़े जमींदार नहीं थे, बड़े पूंजीपति नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी लगन से वो इन पदों पर पहुंचे। लेकिन इसके पीछे एक ताकत है, उस ताकत को हमें भूलना नहीं चाहिए, वह है लोकतंत्र, वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस जगह हमको किसने पहुंचाया, मैं इस देश के करोड़ों मजदूरों, नौजवानों, गरीबों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने ये संभव किया। लेकिन मैं उनको भी सल्यूट करता जो उस वक्त करोड़पति थे, जो उस वक्त पूंजीपति थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे। मैं अगर उल्लेख करूंगा मोतीलाल नेहरू का, कितने बड़े वकील थे वो, मेरे ख्याल में आज के हिसाब से उस रुपये को अगर हम तब्दील करेंगे तो शायद 7-8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ एक दिन का बनता। मैं गांधी जी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वकील थे, इसीलिए तो साउथ अफ्रीका तक उनको जाना पड़ा मुकदमा लड़ने के लिए जब साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते थे। लेकिन त्याग दिया, कपड़ों का भी त्याग दिया, परिवार का भी त्याग दिया, तो इस देश में वो उनको भी आज हमने भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने, जो संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपनी दौलत को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने परिवार को कुर्बान किया। आज हमें ऐसे लोगों पर, चाहे वो गांधी जी हो,
सुभाष चंद्र बोस जी को हम भूल नहीं सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन भूल सकता, 14-15 साल जेल में रहे, सरदार पटेल को कौन भूल सकता, मौलाना आजाद को कौन भूल सकता, तिलक को कौन भूल सकता, ऐसे लोग जो संपन्न थे और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, सब कुछ छोड़ दिया और हमें एक ऐसा संविधान दिया कि आज हमको ये तमाम चीज़ें, आज इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, सुप्रीम कोर्ट जज, आर्मी जनरल कोई भी बन सकता है, मैं आज उन सबको सल्यूट करता हूँ। अपने स्पीच में मोदी ने जहां वेंकैया नायडू की जमकर तारीफ की, तो वहीं आजाद ने उन्हें याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति को निष्पक्ष रहना होता है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।